जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा। जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा। वैसे नारी दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा, नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे। पद्मा, पद्मा तो मर गई रे। तेरे मुंह में अंगार है, कौन तू? अभी तक मैंने अपना नाम नहीं रखा है। आज नई नई जन्मी हूँ ना। अरे अरे, तू तो पद्मा ही है, क्यों हैरानी बिठा रही है हमारे मन में? हुआ क्या? भेड़ी उठा ले गए थे पद्मा को, एक एक बोटी नोचे डाल रहे थे हत्यारे। तो फिर पद्मा बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी, कोई आदमी उसकी मदद को नहीं आया। फिर पद्मा के मन की पुकार पर भगवान का रूप धारकर पद्मा की रक्षा को पहुंच गए, पद्मा की जान आबरू भी बचाई और पद्मा को अपना वरदान भी दिया। क्या वरदान दिया? ये शाल। तूने इस देवता का शुभ नाम पता लिया? जिसके भाग्य में जितना लिखा होता है बस उतना ही मिलता है रे भोला। वो तो मुझे अपनी रक्षा में यहाँ तक पहुँचाने वाले थे, पर मेरी लज्जा मेरा दुर्भाग्य बन गई और मुझ छुपाकर मुझे यहाँ भगा लाए। राम राम राम, ये तो गजब जुलम हो गया। अच्छा, अब तू अगर उन्हें देख पाएगी तो पहचान लेगी पद्मा? उनकी छवि तो पद्मा के मन में छप गई है रे, पर उनसे मुँह चुरा कर ऐसा पाप कर बैठी है जन्म चली कि आंखें उनके दर्शन को जन्म भर तरसेंगी। ना ना, मन छोटा मत कर पद्मा, तुझे अवश्य उनके दर्शन होंगे। कितना अच्छा दूध दिया है आज मेरी भैंस ने, पर वो श्री श्री। अरे भैया दूध वाले, जरा सुनिए। लगता है ये वही माश हैं। पधारिए पधारिए बाबूजी, पधारिए। नहीं, नहीं कोई बात नहीं, मुझे इस लॉज के मालिक दादा ठाकुर से मिलना है। बाबूजी, इस लॉज के मालिक दादा ठाकुर नहीं है, लाइए। दादा ठाकुर नहीं है? तो फिर कौन है इस लॉज के मालिक? इस लॉज के मालिक तो आप हैं, आप जैसे भारत से आए भारतवासी हैं। अरे ये बोझा आप क्यों उठाए हैं? लाइए लाइए लाइए, इसे उठाना तो हमारा धर्म है। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई जल्दी से बाबूजी की एंट्री करो। नेम ऑफ द पैसेंजर, यात्री का शुभ नाम। आप इस भारत लॉज के एजेंट हैं क्या? जबरदस्ती मेरा सामान खींच लिए जा रहे हैं। भाई मुझे दादा ठाकुर से मिलना है। दादा ठाकुर? दादा ठाकुर का प्रणाम। आप दादा ठाकुर? आपका दास। नेम ऑफ द पैसेंजर, यात्री का शुभ नाम। अरे भाई लिखो, श्री श्रीकांत। पर्पज ऑफ विजिट, आने का कारण? अरे भाई काम धंधा, रोजी रोटी, और क्या हो सकता है? सो तो है, पर दादा ठाकुर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कहाँ तक पढ़ा है? बीए फर्स्ट क्लास। और सुना है आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं।
हूँ, पर आपको मेरे बारे में इतनी जानकारी कैसे है? ड्यूरेशन ऑफ स्टे कब तक तैरेगा? अरे श्रीकांत बाबू, बर्मा में हर एक भारतवासी की जानकारी रखना तो मेरा धर्म है। आप इतने चिंतित क्यों हैं? आज सुबह ही क्वारंटीन से आपके कुछ साथी यहाँ रहने आए हैं, उन्हीं से मैंने आपकी जानकारी हासिल की। अब चलिए चलिए चलिए। पर दादा ठाकुर, मैं आपके लॉज में रहने नहीं आया हूँ, मैं तो बर्मा में रहने वाले एक भारतीय का पता आपसे पूछने आया हूँ, शायद आप उन्हें जानते हो। अरे अवश्य जानते ही होंगे, बर्मा में ऐसा कोई भारतवासी नहीं है जिसकी कभी न कभी दादा ठाकुर ने सेवा न की हो। हाँ तो क्या नाम है उस महाशय का? नंद मिस्त्री, मुझे दरअसल उन्हीं के पास रहना है, बस उनका पता चाहिए दादा ठाकुर। नंद मिस्त्री तो अपनी रखेल टगर की जूती की एड़ी में रहता है, मगर टगर कहीं नहीं रहती, वो तो बर्मा भर में अपनी जूतियां चटकाती फिरती है। जाइए, ढूंढ पाएंगे आप अपने इस नंद को। ये तो बड़ी समस्या हो गई। अरे भाई, दादा ठाकुर के होते हुए कोई समस्या ही नहीं, आप चलिए। लेकिन आप मेरी समस्या को समझ ही नहीं रहे। देखिए दादा ठाकुर, जो रकम मैं भारत से लेकर चला था वो तो रास्ते में किसी धर्म के काम में लगा दी मैंने, अब तो मेरे पास बिल्कुल पैसे ही नहीं है। अच्छा, मगर आप तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड। अरे आपने ये पैसे का सवाल कहां बीच में खड़ा कर दिया? अरे ये लॉज क्या मैं पैसे कमाने के लिए चलाता हूँ? अरे ये लॉज तो मैंने अपने देशवासियों की सेवा करने के लिए बनवाया है। आप चलिए। दादा ठाकुर, अगर आप मुझ पर उधार का इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं तो पहले आपको एक वचन देना होगा। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो उधार की पाई पाई आपको वापस लेनी ही पड़ेगी। श्रीकांत बाबू, ये उधार और नगद का चक्कर मैं नहीं जानता, अपना तो एक ही हिसाब है, पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, आप यहाँ रहिए, अपना घर समझ कर रहिए, खाइए, और मेरा आप पर कोई उपकार नहीं रहेगा। लेकिन जैसे नौकरी लग जाए, जेब गरम हो जाए, आप अपना ही घर समझ कर दीजिएगा, जितना देंगे कम पड़ेगा, और आपका भी मुझ पर कोई उपकार नहीं रहेगा। चलिए। आइए आइए श्रीकांत बाबू। अरे आज सवेरे ही क्वारंटीन से छूटे अपने भारतवासियों ने लॉज पर हल्ला बोल दिया, एक कोना खाली नहीं है, अब आपको तो जगह देनी ही पड़ेगी। खोलिए ना। हाँ। चलिए श्रीकांत बाबू, आगे बढ़िए। डरिए मत, ये बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगी। दादा ठाकुर, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो दिन में भी इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं देता। श्रीकांत बाबू, धीरज से थोड़ी देर खड़े रहिए, थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगेगा। बदबू भी बहुत आ रही है। अब बदबू तो आएगी ना, ये तो लॉज का गोदाम है, महीनों तक बंद रहा है। अब चिंता मत कीजिए, खिड़कियां खुल जाएंगी, बदबू बाहर चली जाएगी और रोशनी अंदर चली आएगी। वैसे टगर की जूती की एड़ी से तो ये अच्छी जगह है। सो तो है, बहुत धन्यवाद। सुनिए, यहाँ हाथ मुंह धोने की कोई जगह नहीं है? हाँ, स्नान करने की जगह ऊपर है। कृपया करके ये बोरे जरा हटा दीजिएगा, चूहे बहुत हैं, ऐसा ना हो कि बिल्ली ने कहीं उनकी हत्या कर दी हो। वो तो करना ही पड़ेगा। मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करता हूँ। बहुत धन्यवाद। अबे ओ मजनू के मौसा, चिता किनारे आन लगा है तू, अब तो तू सुधर। अरे पद्मा की ओर टिकटिकी मत बांध, अपनी आत्मा की ओर टिकटिकी बांध। बेकार बेकार हम पर इतना गंभीर इल्जाम धरे हो मालिक, हम अपनी आत्मा की ओर ही तो देखता रहता हूँ, अब इसमें हमार का कसूर कि परमात्मा हमारी आत्मा उसी के अंदर बसा दिए है। ठीक है ठीक है, और सुन, वो गोल्ड मेडलिस्ट भी फोकटिया निकला, उसे भी बासी खाने का भोग दोनों टाइम, समझ गया ना? हाँ समझ गया। लॉज में जगह नहीं थी इसलिए मैं उसे गोदाम में धकेल आया। गोदाम में?
दादा ठाकुर, तुम्हारे पापों की सीढ़ी बनाई जाए तो आकाश तक पहुंचकर उसमें भी छेद कर देगी। अब और कितने पाप अपने सिर पर चढ़ाओगे? उस गोदाम में तो जानवर भी जिंदा नहीं रह सकता, और एक रुपली रोज के लिए एक भले मानस की हत्या करने पर तुल गए। अरे ओ पद्मा, ये दया धर्म कृपा करके किसी और को मत बताना। इसे एक बेचारे को तो तुमने चिता के किनारे लगा ही दिया है। अब जा जा और उस गोदाम वाले को एक पानी का ग्लास दे आ, जा। तुम ना भी बोलते तो जाती मैं। देखो तो कौन बेचारा फंसा है उधर। और सुन सुन, साफ सफाई करते उसके बगस में देख लेना, सोने का मेडल लाया भी है या नहीं। ओ दादा ठाकुर, पेट के लिए मेहनत बेचे है तुम्हारे हाथों, धर्म नहीं बेचा, ये सब तुम्हारा धंधा है। छी छी, कलकत्ते में नौटंकी करने के बजाय यहाँ आ गई मेरी जान जलाने के लिए। छी, लो बाबूजी पानी पी लो। लाओ। ओए मां, क्या हुआ? अरे क्या हुआ बोलना। देख, नहीं तो हम रो देंगे। मैं तो मरी गई। अरे वो भला मानुस तो वही है। कौन? वही जिसने तुम्हें उन भेड़ियों से बचाया था। हाँ वही। अरे ये तो हमारा सौभाग्य हुआ ना, जब से तुमने बताया है हमारे मन में उनके दर्शन की बड़ी इच्छा थी। वो अगर तेरे को न बचाते हम तो बेमौत मर गए होते। चुप, ये ले। अरे देखो, अब तुम उनको जलपान के बहाने बाहर निकालो कमरे से। हाँ, और थोड़ी देर बातें कर लेना, तब तक हम उनका कमरा भले आदमी के रहने जैसा बना देंगे। जाओ जल्दी से। लिए तो जाते हैं, किंतु मालिक ने देख लिया ये उनके बर्तन, ये मिठाई, तो नहीं ले जाएगा? नहीं, ले तो जाएंगे। पद्मा, हम तो तुम्हारे लिए जान पर भी खेल जाएंगे। रक्षा करना माँ। बाबूजी। कौन? पाए लगन बाबूजी। अच्छा, तनिक जलपान कर लीजिए। अंदर ले आओ। यहाँ नहीं, वहां खुले में बैठकर जलपान कीजिए, मुंह पर दो चुल्लू पानी भी मार लीजिए। आओ आइए। ये लीजिए। धन्यवाद। बैठिए। जलपान कीजिए। हम यहाँ का रसोईया हूँ बाबूजी। आपको नहीं मालूम, किंतु यहाँ आकर आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है बाबूजी। क्यों भला? आप जैसे देवता समान आदमी इस धरती पर कहाँ जन्म लेते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? वैसे तो हमारा नाम भोला है, किंतु हमें इस नाम से कोई पुकारता ही नहीं। ऐसा नाम दिया है, हम किसी के आगे बोल भी नहीं सकता हूँ। अबे ओ मजनू के मौसा, फिर कहाँ मर गया मैं तू? जल्दी आ। सुन लिया आपने? आप जलपान कीजिए, हम अभी आता हूँ। Oh, my God.
मेरा यह पत्र बहुत ही लंबा होता जा रहा है, पर यह भी तो मुमकिन नहीं है राजलक्ष्मी कि तुम्हें अभया की सारी विपता न लिख पाऊं। भारत लौट जहां मैं ठहरा हूं उसका पता तो तुम्हें ऊपर लिख ही दिया है, उसका हालचाल बाद में किसी और पत्र में लिखूंगा। तुम्हारे घर जैसा सुख तो मुझे स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता, पर यहां कोई ऐसा दुख भी नहीं है जिसके लिए तुम चिंतित रहो। मैं अब काम की खोज में निकलूंगा और राजलक्ष्मी तुमसे चाहूंगा कि तुम मन से अभया की यात्रा की सफलता और उसकी मनोकामना पूरी होने के लिए प्रार्थना करती रहो। तुम्हारा श्रीकांत। कौन है, कौन है? दादा ठाकुर मैं हूँ, श्रीकांत। ओ आइए ना श्रीकांत बाबू, आइए ना। आप सोए नहीं अभी तक? जी नहीं। वो कोई समस्या आन पड़ी है? समस्या तो मैं जहाज से ही साथ लेकर आया था। दादा ठाकुर आप किसी रुद्रसेन गुप्ता को जानते हैं क्या? ये नाम पहले सुना है आपने? रुद्रसेन गुप्ता, हमारे 13 नंबर के कमरे में महीनों तक रहा था। लंबा कद, कड़क चाल, बड़ी चलती फिरती चीज थी वो। वही है ना? मैंने उसे कभी नहीं देखा है। आजकल वो कहाँ रहता है दादा ठाकुर? अरे भगवान जाने, मैं तो बरसों पहले की बात कर रहा हूँ। रेलवे में काम पे लगाया था उसको, तब से लेकर आज तक उसके दर्शन नहीं हुए। बोलो। ओहो, यही तो समस्या है ना, जाने किस कष्ट में पड़ा होगा बेचारा। वो चिंता आप छोड़ दीजिए श्रीकांत बाबू, जो भारतवासी कष्ट में होता है वो दादा ठाकुर की लॉज में ही रहता है, और जो यहाँ नहीं रहता है वो बड़े मजे में होता है। ये बात नहीं है दादा ठाकुर, 6 साल हो गए किसी को उसकी खबर ही नहीं मिली। इसका तो एक ही मतलब है श्रीकांत बाबू, कि उसकी गाड़ी सीधी पटरी से उतर कर टेढ़ी लाइन पर चलने लगी है, और इसीलिए वो बिलों में छुपा रहता है। और अगर वो बिलों में नहीं है, इस दुनिया में है, जिंदा है, तो वो कहीं और होगा, बर्मा में नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसी अशुभ बात मत कहिए दादा ठाकुर। उसकी दुखियारी स्त्री 6 बरस तक देश में उसकी राह तकने के बाद अब उसकी खोज में यहाँ आई है। न जाने बेचारी के भाग में क्या लिखा है। मेरी प्यारी अभया, अपने रुद्र का प्यार भरा नमस्कार रो। अभया, तुम्हारी चिट्ठियां मुझे यहां बराबर मिलती रहती हैं। बर्मा में मेरे जीने का वही तो एक सहारा है। मैं तुम्हें भूल सकता हूं कैसे भला? भगवान के लिए मेरे बारे में ऐसी बातें सोचकर मेरे प्यार की भक्ति का अपमान मत किया करो। अभया, मेरी चिट्ठियां देर देर से मिलने के कारण तुम चिंतित मत हुआ करो। तुमको कैसे विश्वास दिलाऊं कि तुम्हारे बिना एक एक पल काटना कितना कठिन है। मैं तुमको अपने पास बुलाने के जतन में दिन रात एक कर रहा हूं,
और जिस दिन तुम्हें अपने पास रखने योग्य हो गया उस दिन तुम्हें यहाँ लाने में एक क्षण की देरी नहीं करूंगा। ये सोचकर क्षमा कर देना भैया कि देवी से की गई प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए देवी का दास तपस्या कर रहा है तुम्हारा रुद्र। तुझको अपनी आंख से ओझल कभी न होने दूंगा, तुझको अपनी आंख से ओझल कभी न होने दूंगा, दुख में भी और सुख में भी मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझको ही चाहा तुझको ही पूजा तेरे सिवा कोई भाए न दूजा, जीवन तुझ पे वारा तू है मेरी धड़कन, तू है मेरी धड़कन, तू ही मेरी धड़कन का गीत है प्यारा, तू है मेरी धड़कन, तू ही मेरी धड़कन का गीत है प्यारा।